चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का नेक्स्ट सीवी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड शुरू करने से पहले सबसे पहले देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। अगर हम सल्फर के एलोट्रॉप्स की बात करें तो इसका एक एलोट्रॉप होता है रोम्बिक सल्फर, जिसे हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं, जबकि दूसरा एलोट्रॉप होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे हम बीटा सल्फर भी कहते हैं। ये है अल्फा सल्फर का स्ट्रक्चर, जबकि ये होता है बीटा सल्फर का स्ट्रक्चर। अगर हम अल्फा सल्फर के कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 385.8 केल्विन, जबकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.06। ऑन द अदर हैंड, बीटा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 393 केल्विन, जबकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.98। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो जब रोल सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिक्स कर दिया जाता है तब अल्फा सल्फर बनता है, और अगर इसी अल्फा सल्फर को पहले मेल्ट करें और फिर इसको कूल करें तब हमें एक क्रस्ट प्राप्त होता है। इस क्रस्ट में दो होल करके उसमें से हम लिक्विड को पोर कर लेते हैं और बचे हुए क्रस्ट को रिमूव कर देते हैं, तब जो सल्फर प्राप्त होता है वो होता है बीटा सल्फर। जो अल्फा सल्फर होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक लिक्विड्स जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। इसके साथ साथ ये बहुत कम अमाउंट में बेंजीन, ईथर और एल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। अगर हम अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर की इंटरकन्वर्जन की बात करें तो 369 केल्विन के ऊपर के टेम्परेचर पर अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि 369 केल्विन से नीचे के टेम्परेचर पर बीटा सल्फर अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि 369 केल्विन के नीचे अल्फा सल्फर स्टेबल होता है, जबकि 369 केल्विन के ऊपर बीटा सल्फर स्टेबल होता है, और 369 केल्विन या 96 डिग्री सेल्सियस पर अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दोनों ही स्टेबल होती हैं। इसीलिए ये जो टेम्परेचर है 369 केल्विन या 96 डिग्री सेल्सियस, इसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं कि सल्फर जनरली किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं सल्फर की उस फॉर्म की जिसमें सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है जिसे हम बोलते हैं क्राउन फॉर्म, क्योंकि ये देखने में क्राउन की तरह नजर आता है। इसमें सल्फर के 8 एटम्स होते हैं। अगर बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करें तो सल्फर और सल्फर के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 204 पिकोमीटर, और जो एंगल बनता है SSS के बीच में वो जनरली होता है 160 डिग्री का। अगर बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करें तो जो सल्फर सल्फर के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 205.7 पिकोमीटर, और यहाँ पर जो आप चेयर का एंगल देख रहे हैं वो होता है 102.2 डिग्री। इसमें सल्फर के 6 एटम्स होते हैं। अगर सल्फर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एलिवेट किया जाए अप्रॉक्स 1000 केल्विन, तब सल्फर का जो स्टेबल फॉर्म होता है वो होता है S2, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर अप्रॉक्स 1000 केल्विन है तब सल्फर S2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। S2 फॉर्म में सल्फर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ऑक्सीजन की तरह ही होती है, क्योंकि S2 फॉर्म में सल्फर भी पैरामैग्नेटिक होता है। चलिए अब बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। सबसे पहले देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट मेथड है कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन गैस। जब सल्फर ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होती है तब SO2 गैस फॉर्म होती है। इस मेथड में बहुत लिटिल अमाउंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी फॉर्म होती है। दी सेकेंड इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ये है लेबोरेटरी प्रिपरेशन का एपरेटस। सबसे पहले राउंड बॉटम फ्लास्क में सोडियम सल्फाइड लेते हैं। अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो सल्फाइड आयन जब H+ के साथ रिएक्ट करता है तब वो फॉर्म करता है H2O और SO2 गैस। ये जो H2 है इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बीच में रखे हुए H2SO4 से। अब देखते हैं SO2 का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन।
इंडस्ट्री में SO2 गैस बेसिकली एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होती है। जब मेटल्स को प्रोसेस किया जाता है या मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं तब रोस्टिंग के दौरान वहाँ पर SO2 गैस फॉर्म होती है। जैसे अगर आयरन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज किया जाए ऑक्सीजन के साथ तब सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और साथ में Fe2O3 बनता है। यहाँ पर बनने वाली SO2 गैस को ड्राई करके लिक्विफाइड कर लिया जाता है और सिलेंडर्स में स्टोर कर लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं SO2 की प्रॉपर्टीज़ की। अगर हम SO2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक कलरलेस गैस है और इसका ऑर्डर पंजेंट टाइप का होता है। ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है। ये रूम टेम्परेचर और 2 atm प्रेशर पर लिक्विफाई हो जाती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 263 केल्विन है। यहाँ पर आप SO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो। SO2 के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। SO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इसकी शेप एंगुलर शेप होती है। चलिए अब बात करते हैं SO2 की केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। अगर SO2 गैस को वाटर में पास किया जाता है तो ये वाटर में डिजोल्व होकर वाटर से रिएक्ट करती है और H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद NaOH। अगर SO2 गैस को NaOH में डिजोल्व करते हैं तब ये सोडियम सल्फाइड बनाती है और H2O भी फॉर्म होता है। जब ये सोडियम सल्फाइड फर्दर H2O और SO2 में डिजोल्व होता है तब सोडियम बाईसल्फाइड बनता है यानी कि NaHSO3। इन सभी रिएक्शंस में सल्फर डाइऑक्साइड का बिहेव बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा ही है। द नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ SO2 विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल। जब SO2 की रिएक्शन चारकोल के प्रेजेंस में Cl2 के साथ होती है तब SO2Cl2 बनता है। इस रिएक्शन में चारकोल एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है। द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाए तब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। इस रिएक्शन में V2O5 यानी कि वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। चलिए अब देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव करती है। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन एक्वस मीडियम में फेरिक आयन से होती है तब फेरिक आयन का रिडक्शन फेरस आयन में हो जाता है। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि जब एक्वस मीडियम में SO2 की रिएक्शन परमैग्नेट आयन से होती है तब परमैग्नेट आयन कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट हो जाती है सल्फेट आयन में। इस रिएक्शन में भी SO2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रही है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम पर मैग्नेट आयन की बात करें दैट इज MnO4- तो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है और हम देख सकते हैं कि आफ्टर रिएक्शन मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुआ है +7 फॉर्म से +2 फॉर्म तक। यहाँ पर एक बात और देखने की है, पर मैग्नेट आयन पर्पल होता है जबकि जब इसका कन्वर्जन हो जाता है Mn2+ में तो ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि SO2 गैस के साथ जब टेस्ट किया जाता है पर्पल कलर के पर मैग्नेट आयन को तो उसका डीकलरेशन हो जाता है। और इस रिएक्शन को हम SO2 गैस के टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं यूजेस ऑफ SO2। SO2 का बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता है पेट्रोलियम को रिफाइन करने में। इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा यूज होता है रिफाइनिंग ऑफ शुगर में और ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क में, यानी कि वूल और सिल्क को ब्लीच करने में, उनका रंग उड़ाने में भी SO2 का यूज होता है। SO2 एक बहुत अच्छा एंटीक्लोर एजेंट है। ये एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है और साथ में बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव भी है।
SO2 का बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता है बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को बनाने में, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाइसल्फाइड या कैल्शियम बाइसल्फाइड। लिक्विड SO2 एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। इसका केमिकल इंडस्ट्रीज में एक सॉल्वेंट की तरह बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि SO2 मॉलिक्यूल में जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है उस बॉन्ड पर कमेंट कीजिए। आपसे पूछा गया है क्या दोनों ही S और O बॉन्ड इक्वल होते हैं। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सोचिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सोच लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप SO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। अगर हम इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यही कारण है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से जो दोनों ही S और O बॉन्ड होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं।